हमारे इस नई वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास मर्सिडीज़ GL350 आई हुई है। तो फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको बताते हैं। फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर जब 2-4 दिन अपना गाड़ी जब पार्किंग में खड़ा करते हैं तो पीछे से इसका हाइट बैठ जाता है दोनों साइड से। फ्रेंड, तो हम इसको सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये उनका जो कंप्लेन है वो क्यों और किस कारण से आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले तो हम इसका दोनों व्हील ओपन करेंगे और दोनों व्हील ओपन करके हाइट करके और इसका जो पाइपलाइन आता है उससे पहले चेक करेंगे कि कहीं से कटा वटा तो नहीं है। अगर नहीं कटा वटा रहेगा तो फ्रेंड, ज़्यादातर इसका सॉकअप का प्रॉब्लम आता है। सॉकअप में जो बलून आता है वो भी लीक होने के कारण इसका हाइट बैठ जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम सबसे पहले इसका दोनों व्हील ओपन करते हैं, ओपन करके हाइट करते हैं, फिर हाइट करके और इसका पाइपलाइन चेक करेंगे। अगर पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो इसका दोनों सॉकअप ओपन करेंगे। ठीक है, इसका दोनों व्हील ओपन कीजिए और हाइट कीजिए। फ्रेंड, तो हम इसका दोनों व्हील ओपन करते हैं और हाइट करके उसका चेक करके आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने दोनों साइड का व्हील ओपन कर दिया है। अब इसका जो फेंडर लाइनिंग गोला है, ये जो कवर है, इसको ओपन कर रहे हैं। इसको ओपन करने के बाद ही आप हमको कुछ दिखेगा, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है। देख सकते हैं, खाली इसका हाफ सॉकअप दिख रहा है। तो इसके गोले को हम पूरा ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फिर उसके बाद क्लियर चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है करके। ठीक है, देख सकते हैं दोनों साइड का हमारा फेंडर लाइनिंग का गोला ओपन हो रहा है। दोनों साइड का गोला ओपन करने के बाद फिर हम आपको क्लियर बताते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। फ्रेंड, इसमें देख सकते हैं, ये देखिए साइड में भी एक एक्स्ट्रा बलून दिया है और ये सॉकअप भी दिया है। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले कि ये सॉकअप का प्रॉब्लम है कि बलून का प्रॉब्लम है, फिर हम आपको बताएंगे कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम, किस कारण के वजह से इसका हाइट बैठ जाता है। चेक किया, चेक करने के बाद फ्रेंड हमें पता चला कि इसका बलून का प्रॉब्लम है। देख सकते हैं ये साइड में सेपरेट बलून है। ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं इसका बलून है। तो इस बलून को हम ओपन करेंगे। इस बलून को ओपन करने के लिए फ्रेंड जितने भी इसके सस्पेंशन के पार्ट है, ये देख सकते हैं, ये कैंची है, ये दो का, ये दूसरा नंबर का कैंची है, ये इधर से, ये देखिए सपोर्टेड रॉड है ये वाला। तो यहाँ से एक, ये दो और ये तीन। ठीक है फ्रेंड, ये तीनों कैंची का आपको बोल्ट खोल के और सॉकअप का एक बोल्ट खोल के फिर आपको नकल नीचे दबा कर तब आपका बलून बाहर आएगा। तो हम आपको दिखाएंगे खोल कर। ठीक है, सबसे पहले तो ये कैंची को हम बाहर निकाल लेंगे पूरी तरह से, और बाकी जो कैंची है एक एक साइड से इसका बोल्ट ओपन करेंगे। ये कैंची का यहाँ से बोल्ट ओपन करेंगे और ये जो रॉड है उसका यहाँ से एक बोल्ट ओपन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसको पूरा नहीं खोलेंगे, इतना हम बोल्ट खोल के और इसको दबा कर ट्राई करते हैं कि बाहर आ जाएगा क्या। अगर उतने में बाहर आ जाएगा तो हम बाहर ले लेंगे, और नहीं आएगा तो सस्पेंशन पूरा बाहर निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हम रॉड को ओपन करते हैं और ओपन करके चेक करते हैं। ये देखते हैं बलून में इसका पाइपलाइन आता है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये इसका पाइप है जहाँ से ये बलून में भरता है। ये फ्रेंड इस मोटर से आता है इसका। देखिए यहाँ पे मोटर दिया है, ये टैंक, ये हमारा टैंक है एयर का। देख सकते हैं पाइप यहाँ से गया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो ये पाइप को भी हम ओपन करेंगे बलून बाहर लेने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये बलून हम बाहर लेते हैं और बाहर लेकर और उसके बाद आपको इसको रिप्लेस करके दिखाएंगे, क्योंकि बलून हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि बलून में प्रॉब्लम है। इसके लिए इसका जो इसमें जो एयर स्टॉक होना चाहिए स्टॉक नहीं हो रहा है, लीक हो जा रहा है। तो इसके लिए इसका जो हाइट है वो बैठ जाता है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस बलून को रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करके फिर चालू करके 2-4 दिन हम खड़ा करके देखेंगे कि इसका जो हाइट डाउन होने का प्रॉब्लम है सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका एयर बलून है जो हमने बाहर निकाला है। ये हमारा राइट साइड का है, इसी प्रकार हम लेफ्ट साइड का भी निकालेंगे। ठीक है, हम निकाल के आपको दिखाते हैं लेफ्ट साइड का। आप देख सकते हैं हमने इसका बलून ओपन कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए इसका बलून हमने ओपन कर दिया है, ये हमारा राइट साइड का है। तो फ्रेंड, हम इसका सॉकअप भी ओपन करने वाले हैं, क्योंकि इसका सॉकअप हमने यहाँ से देखा, इसका जो बफर आता है वो पूरा टूट चुका है।
तो इसके लिए हम इसका सॉकअप भी ओपन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, सॉकअप ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले तो गाड़ी के अंदर से इस साइड का जो कवर है, देखिए आपको, क्योंकि इसका बोल्ट जो है ऊपर से दिया है, देख सकते हैं फ्रेंड, इसका बोल्ट जो है ऊपर से दिया गया है, दो नट। वो नट खोलने के लिए आपको क्या क्या खोलना पड़ेगा, ये देखिए, ये जो कवर है, ये कवर आपको कटा के निकालना पड़ेगा। इसके बाद से देखिए स्पंज जो है उसको थोड़ा सा आपको फाड़ना पड़ेगा, ये देखिए थोड़ा सा, क्योंकि पूरा पैक आता है, इसको जब फाड़ेंगे थोड़ा तो ही आपको दिखेगा इसका बोल्ट, देख सकते हैं फ्रेंड, ये ऊपर से फाड़ कर और उसके बाद इसका आपको नट दिखेगा। ठीक है, तो हम इसका नट ओपन करते हैं। अंदर से नीचे सॉकअप पकड़ के रखिए फ्रेंड, ऊपर से 13 का दो नट है। आप 13 के बॉक्स पाने से लंबा कनेक्शन लगा कर उसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये 13 का नट है। कर से एक और नट ओपन करेंगे। ये हमारा दोनों नट ओपन हो चुका है। अब हम इसका सॉकअप नीचे लेके आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा सॉकअप सर बाहर लीजिए, देखिए फ्रेंड, तो ये हमारा सॉकअप सर भी बाहर आ चुका है और ये हमारा बलून भी बाहर आ चुका है। फ्रेंड, हमने बलून ओपन करने के लिए देखिए आप देख सकते हैं क्या क्या हमने ओपन किया है। जो आपका ऊपर का कैंची है इसको भी ओपन करना पड़ेगा। ये साइड का एक कैंची है जो आपका इधर अंदर लगता है, देखिए यहाँ से यहाँ पे, इसको भी ओपन करना पड़ेगा तो ही आपका बलून यहाँ से निकलेगा। तो हमने इसको भी ओपन किया है, ये कैंची भी ओपन किया है और ये बैलेंस रॉड देखिए, ये रॉड को भी आपको ओपन करना पड़ेगा। मगर नेकल में जितने भी सारे चीज़ आपको ये लगे हैं उसको ओपन करना पड़ेगा, एक एक साइड से ओपन करेंगे तो ये आपका जो नेकल है वो नीचे दबेगा, तब आपका बलून बाहर आएगा। ठीक है फ्रेंड, ओपन करने के बाद देखिए ऊपर एक प्लास्टिक का ये दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये थ्रेड है, तो आपको इसको बलून को ऐसा घुमा घुमा कर फिर बाहर लेना पड़ेगा। देख सकते हैं, आपको थ्रेड हम दिखाते हैं, ये देखिए, तो आपको बलून घुमा घुमा कर घुमाते जाएंगे जितना, उसके बाद आपका बलून पूरा खुल जाएगा, तो फिर बलून को बाहर ले लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमने बलून को भी बाहर ले लिया है। ठीक है फ्रेंड, तो देख सकते हैं ऊपर का एक नॉर्मली किट दिया है इसमें लगाने के लिए, और इसका फ्रेंड इसमें हवा कहाँ से भरता हुआ हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये हवा भरने के लिए दिया गया है, इसमें पाइप लगता है मोटर से, आगे से मोटर से अंदर दोबारा पाइप आता है। ये देखिए, ये लूम पकड़ के इसके अंदर से पाइप गया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, कि ताकि कुछ चुआ हुआ पाइप को ना काटे। ठीक है, तो ये पाइप, इसका जो पाइप गया वहाँ से इसमें लगता है, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जब हमारा एयर मोटर चालू होता है तो इसमें जाके हवा भरता है, तो ये बलून फूकता है। देखिए, एकदम नरम हो गया है, देखिए, जब इसमें हवा भर जाएगा तो एकदम टाइट हो जाएगा, आपके हाथ से दबाने से भी नहीं दबेगा। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसमें दोनों बलून और दोनों सॉकअप रिप्लेस करेंगे, और जिस प्रकार से हमने राइट साइड का ओपन किया है इसी प्रकार से हम लेफ्ट साइड का भी ओपन करेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड का है, हमने लेफ्ट साइड का भी बलून ओपन कर दिया है। ये देखिए, इसमें फ्रेंड वैसे ही सेम है, प्लास्टिक का थ्रेड ऊपर टॉप पे, ये नीचे का हिस्सा है, ये आपका ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, इसमें ये साइड भी हमने सारी चीज़ें ओपन किए, देख सकते हैं, रॉड और ये कैंची, ये साइड का हमने कैंची ओपन किया है। ये देखिए, जो यहाँ से यहाँ लगता है, क्योंकि फ्रेंड जब तक ओपन नहीं करेंगे आपका बलून यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, इसके लिए इसको बाहर निकालना पड़ेगा। बाकी एक एक साइड का आप खोलेंगे चलेगा। ठीक है फ्रेंड, और ये देख सकते हैं, ये इसका सॉकअप है, इसके अंदर फ्रेंड बफर आता है, देख सकते हैं पूरी तरह से टूट चुका है। ये देखिए, इसके अंदर से बफर आता है, सॉकअप बफर, जो इसको कवर करता है, इतने पे स्टॉक पे रोकता है कि जंपिंग में क्या होगा फ्रेंड, बफर नहीं रहेगा ना, तो इसमें टच होएगा तो खड्डे में आवाज़ करेगा, इसके लिए इसको बफर देता है, कवर के लिए। वो टूट चुका है, इसके लिए हमने सॉकअप भी इसका ओपन किया है, तो हम इसको अभी छुट्टा करके सॉकअप चेक करेंगे। अगर सॉकअप सही रहेगा तो खाली इसका किट डालकर हम गाड़ी फिट कर देंगे, नहीं सही रहेगा तो हम इसका किट और सॉकअप दोनों रिप्लेस करेंगे। लेफ्ट साइड का देखिए पाइप है जिससे हवा भरता है, देखिए इसमें ये पाइप यहाँ पर फिट होता है, ये बलून में यहाँ पे, ये देखिए, जिस पर जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे इसके अंदर हवा भरना चालू हो जाएगा, और जैसे हवा भरेगा पूरी तरह से हार्ड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये पाइप दोबारा, इसको आप लगाते समय बहुत सावधानी से लगाइएगा, क्योंकि क्या होता है अगर आप टेढ़ा भी थोड़ा फंसा देंगे तो आपका बलून का थ्रेड ख़राब हो जाएगा, तो फिर से आपको बलून रिप्लेस करना पड़ेगा। इसमें थ्रेड आप नहीं मार सकते, ये बहुत महंगा है, तो टाइट करते समय बहुत आराम से हल्के हाथों से टाइट कीजिएगा। दोनों
लोग पार्ट अरेंज करेंगे, इसका बलून और इसका सोफा बट किट पार्ट हम अरेंज करके और उसके बाद आपको नया पार्ट अरेंज करके दिखा के फिर चेक करना चालू करेंगे। ताकि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये हमने मर्सिडीज 350 जीएल का रियर का सोफा अरेंज कर लिया है। इसका नया सोफा पे पीछे का असेंबली, ये असेंबली हम रिप्लेस कर रहे हैं और ये इसका दोनों बलून है जो हम रिप्लेस करने वाले हैं। इसका नया वाला बलून है ये और ये दूना यहाँ पे पड़ा है। ये इसका दूना सॉकअप है जो हमने छुट्टा करके रखा है, देखिए माउंट ऑन बोला करके। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम दोनों सॉकअप पकड़िए, सॉकअप तो अभी हम सॉकअप और ये माउंट आपको गाड़ी में फिट करके दिखाते हैं सर। चलिए गाड़ी के पास चलिए। तो अब हम ये सॉकअप और ये बलून आपको फिट करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमने इसका सॉकअप दिखा दिया है, देख सकते हैं अब इसका बलून फिट कर रहे हैं। इसका फ्रेंड हम आपको मार्क दिखा देते हैं, देखिए ये हमारा नया बलून है। ये देखिए जो कट है, एक कट के सामने आना चाहिए, ये कट के सामने देखिए इधर कट दिया है, ये हम उस कट में डालेंगे। देखिए ये हमारा बलून देखिए नीचे से कट में बैठ गया, इसके बाद से हमको इस पर जैक मारना पड़ेगा इसके अंदर जाने के लिए। तो जैक उठाइए, देखिए हमने इसमें जैक मारा है। उठाइए उठाइए, एक मिनट उठाइए 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 उठाइए, उठ जाइए चेक कर उठाइए। देख सकते हैं हमारा बलून चिपक चुका है पूरी तरह से, ठीक है। ये हमारा सॉकअप का भी जगह आ चुका है, देखिए इधर यहाँ पे हमारा सॉकअप भी बैठ चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो ये बाकी जो हमने ये बोल्ट वोल्ट सब कैंची के जितने बोल्ट खोले हैं, ये इसके बोल्ट, ये रॉड के बोल्ट देखिए, ये सारे हम फाइनल करते हैं। फाइनल करने के बाद फिर अब आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमने इसका बलून बिठा दिया है, देख सकते हैं ये देखिए हमारा इधर नीचे कट में भी बराबर आया है। देखिए ये जो प्लास्टिक का कट है, कट के सामने आना चाहिए, ठीक है। अब इसका हम जो एयर पाइप है वो लगाएंगे। फ्रेंड इसको कभी भी एयर पाइप को आप हाथ से लगाइएगा, हाथ से ही पूरा टच कीजिएगा और उसके बाद से हल्के हाथों से पानी से टच कर दीजिएगा, नहीं तो स्लिप अगर हो गया तो फिर से आपको दूसरा बलून डालना पड़ेगा, वो काफ़ी महंगा और आपको फटका लग सकता है। तो देखिए फ्रेंड हमने इसका पाइप भी बिठा दिया है, बलून में जो एयर पाइप लगता है इसको हल्का हम टाइट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा पाइप भी टाइट हो चुका है। ये जो जो हमने ओपन किया था, देखिए ये रॉड का बोल्ट और सब हमने फंसा दिया है, सिर्फ इसे फाइनल टाइट करना बाकी है। ये सॉकअप का नीचे का बोल्ट बिठाना बाकी है, थोड़ा सा हल्का सा जैक डाउन कीजिए, सॉकअप का बोल्ट दीजिए, बोल्ट लगाइए इसका सॉकअप का, थोड़ा डाउन कीजिए जैक, बस 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 डालिए बोल्ट। तो फ्रेंड ये हमारा सॉकअप का भी बोल्ट बैठ चुका है। ठीक है फ्रेंड, अब जितने भी चीज़ें हमने ओपन किया था उसको सारी चीज़ों को फाइनल टाइट कर लेते हैं, फिर टाइट करने के बाद आपको दिखाते हैं। मेन फ्रेंड इसमें यही है, ये जो एयर का पाइप है उसको लगाना, ये फ्रेंड ये बहुत डेंजर रहता है, थोड़ा भी अगर आपने क्रॉस बिठा दिया तो तुरंत स्लिप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा फाइनल टाइट हो चुका है एयर बलून का। बाकी जो हमने सस्पेंशन का पार्ट ओपन किया था बलून ओपन करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम फिट कर रहे हैं, फिट करके आपको दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं ये हमारा लेफ्ट साइड का पूरा सस्पेंशन फिट हो चुका है पूरी तरह से। देखिए एयर बलून भी लग चुका है, हमने जो जो पार्ट ओपन किया था, ये देखिए कैंची, इसे भी हमने फिट कर दिया है। हमारा सॉकअप भी लग चुका है, देखिए हमने जितने भी एयर रॉड वॉड हमने ओपन किए थे सारी चीज़ें फिट हो चुकी है। ये देख सकते हैं ये वाल का जो सॉकेट है, ये वाल का
देखिए इधर सॉकेट भी हमने प्रेस कर चुका है। देखिए प्रॉपर तरीके से हमने इसे टाई क्लिप से मार भी दिया है दोनों बाजू, ताकि ये बाहर निकल कर कहीं घस उसके कटे ना। ये हमारा लेफ्ट साइड का फाइनल हो चुका है, अब हम राइट साइड का फिट करेंगे। ये हमारा राइट साइड का नया बलून है जो अब हम फिट करने जा रहे हैं। ये फ्रेंड है सॉकअप का बोल्ट हम फाइनल टाई कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, सॉकअप का बोल्ट भी हमारा फाइनल टाइट हो चुका है। अब इसका ऊपर का हम पाइप लगाएंगे, एयर पाइप। देखिए फ्रेंड, ये बाकी हमारा जो देख सकते हैं फाइनल हो चुका है। ये सॉकअप का बोल्ट भी हमने टाइट कर दिया है। अब इसका जो देखिए इधर एंगल सेंसर है जो हमने यहाँ से ओपन किया था कैंची से, आप भी इधर से ओपन कीजिएगा, यहाँ से निकालिएगा नहीं तो आपको सेंटर नहीं मिलेगा किस पोजीशन पे लगाने का। तो आप यहाँ से निकाल के 10 का बोल्ट है, देखिए 10 का बोल्ट आसानी से यहाँ से आप टाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा एंगल सेंसर का भी बोल्ट टाइट हो चुका है। अब इसका जो पाइप है देखिए, एयर पाइप, इसको हम फंसाएंगे। ठीक है, इसको फ्रेंड हाथों से ही फंसाना पड़ेगा पूरा फ्री, पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा नहीं तो आपका थ्रेड स्लिप हो जाएगा। देखिए ये हमारा पूरी तरह से हाथ से चिपक चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा पानी से टच करेंगे फ्रेंड, तो ये हमारा पाइप भी फाइनल टाइट हो चुका है। और हमने बाहर से जो भी चीज़ें ओपन किया था तो सारी चीज़ें हमने फाइनल टाइट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको गाड़ी को स्टार्ट करके एक बार जो है दोनों साइड का पाइप है इधर थोड़ा शैम्पू या झाग लगा कर एक बार चेक कर लेंगे पानी से कि हमारा लीक तो किधर से नहीं है। सारी चीज़ें जो भी हमने ओपन किए थे, ये साइड का कैची वैची, ये ब्रेक पाइप का सेंसर वेंसर, देखिए ये सारे हमने फिट कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें आपको ओपन करनी पड़ती है, ये भी कैची यहाँ से ओपन करना पड़ता है आपको बलून निकालने के लिए। देखिए सॉकअप का भी हमारा बोल्ट टाइट हो चुका है, ये भी हमने रॉड ओपन किया था, ये भी हमारा टाइट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारी चीज़ें हमारी फाइनल हो चुकी है, सिर्फ हमें ऊपर से अंदर से इसका दोनों साइड का 4 नट टाइट करना है। वो हम गोला लगा कर डाउन करके फिर इसको ऊपर का नट टाइट करेंगे। इसका फेंडर लाइनिंग गोना बाकी है, तो अब हम इसका फेंडर लाइनिंग गोला लगाएंगे दोनों बाजू का। और फेंडर लाइनिंग गोला लगा के और उसके बाद से टायर वायर लगा कर फिर स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। हमारा इसमें सिर्फ दो चीज़ रिप्लेस करने का था, एक सॉकअप और एक बलून, क्योंकि हमारे गाड़ी में प्रॉब्लम क्या था, 2-4 दिन कस्टमर गाड़ी खड़ा करते थे तो इसका जो पीछे का हाइट है वो लेफ्ट साइड से एक साइड से डाउन हो जाता था। तो इसके लिए हमने इसका चेक किया तो लेफ्ट साइड का बलून में प्रॉब्लम दिखा, तो हमने दोनों साइड का बलून और दोनों साइड का सॉकअप रिप्लेस कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको अब गोला लगाएंगे, गोला लगाकर गाड़ी स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके फिर हम आपको बाकी जो भी चीज़ें हैं वो दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा दोनों साइड का सॉकअप और बलून फिट हो चुका है। हमने इसमें नया सॉकअप और बलून डाला है। अब इसका जो फेंडर लाइनिंग का गोला हमने ओपन किया था उसे फिट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं फेंडर लाइनिंग का गोला है, ये लेफ्ट साइड का हमारा फिट हो रहा है। ये हमारा राइट साइड का फेंडर लाइनिंग गोला फिट करना बाकी है, तो हम लेफ्ट साइड का फिट कर लेते हैं। उसका राइट साइड का फिट करके फिर टायर लगा कर फिर डाउन करके फिर गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे कि हमारा हाइट होता है कि नहीं होता है। इसमें हमने बलून और सॉकअप रिप्लेस किया है, देख सकते हैं ये मर्सिडीज 350 GL4 मैटिक है फ्रेंड, जिसका हमने बलून और सॉकअप रिप्लेस किया है दोनों साइड का। ठीक है, तो फाइनल करके हम आपको दिखाते हैं स्टार्ट करके। तो फाइनली फ्रेंड, ये राइट साइड का हमारा पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। देख सकते हैं हमने फेंडर लाइनिंग गोला इसका व्हील लगा दिया है। अब लेफ्ट साइड का खाली टायर लगाना बाकी है और उसका टायर लगा कर फिर डाउन करते हैं और डाउन करके स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके चेक करते हैं कि हमारा पीछे का हाइट होता है कि नहीं, क्योंकि हमने इसका बलून और सॉकअप दोनों रिप्लेस किया है तो चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड, कभी कभी नए बलून में भी फॉल्ट आ सकता है, तो हमारा हाइट नए बलून में भी हो सकता है कि हाइट ना हो करके ऐसा, तो स्टार्ट करके हमें चेक करना ज़रूरी है। और जब तक हम इसे डाउन नहीं करेंगे, प्रॉपर ज़मीन पर नहीं आएगा, तब तक बलून अपना काम नहीं करेगा और एयर नहीं भरेगा। आप सोचेंगे कि नहीं हम स्टैंड पे ही हाइट करके और हवा चेक कर ले, तो ऐसा नहीं होएगा, हमें इसे डाउन करना ही पड़ेगा। डाउन करने के बाद ही आपका जो एयरमेटिक जो है वो काम करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका हम व्हील लगा देते हैं, व्हील लगाने के बाद डाउन करते हैं, फिर डाउन करके फिर स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट करके आपको चेक करके दिखाते हैं। फाइनली व्हील को नीचे ले लिया है, देख सकते हैं हमने गाड़ी को डाउन कर दिया है। तो इसका ऊपर का शॉकअप का जो नट था वो खाली टाइट करना बाकी था। तो देखिए इसका ऊपर का शॉकअप का नट आपको कहाँ से, इसका लोकेशन हम बताते हैं। ये जो आपका दरवाज़ा है, दरवाज़ा खोल के आपको अंदर घुसना पड़ेगा और इसके ऊपर का ये देखिए कांच के नीचे जो कवर दिया है, ये कवर को आपको ओपन करना पड़ेगा और इसके बाद से ये जो थोड़ा कारपेट वारपेट है थोड़ा उसको कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद देखिए आपको यहाँ दिखेगा, ये देखिए इसका दोनों नट, 13 नंबर का नट आएगा फ्रेंड। ये दोनों नट को आप ओपन करेंगे तो आपका यह शॉकअप बाहर आ जाएगा। तो हम इसे टाइट कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड का हमने टाइट कर दिया है, राइट साइड का टाइट कर रहे हैं। देखिए अब इसको टाइट करके फिर उसके बाद हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड थोड़ा सा आपको कारपेट जो है अंदर का हल्का सा जो फॉर्म है वो थोड़ा सा कट करेंगे तो ही आपको शॉकअप का बोल्ट दिखेगा, नहीं तो ऐसा आपको नट दिखने वाला नहीं है। नीचे से शॉकअप का पोजीशन लेकर फिर ऊपर कहाँ आता है उसके सेंटर में आपको थोड़ा सा उसका जो स्पंज है थोड़ा सा फाड़ेंगे तो आपको शॉकअप का बोल्ट दिखेगा। ठीक है, अब हमने दोनों साइड का नट जो है ऊपर से फाइनल टाइट कर दिया है। अब इसका ऊपर का कवर है वो लगा देते हैं, फिर बाहर निकल कर गाड़ी चालू करते हैं। चालू करके हम देखते हैं अपना हाइट क्या पोजीशन लेता है। ये देखिए फ्रेंड, ये इसका कवर है जो हमने ओपन किया था, आपको भी ये कवर ओपन करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड गए वो, दूसरा लीजिए, दूसरा किधर है, ये उठाओ। ये राइट का है, ये सब लॉकिंग सिस्टम फ्रेंड, आपको इसको उधर से कटा के निकालना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा व्हील डाउन है, हमने जैक से डाउन कर दिया है, हमारा स्टैंड दोनों बाहर पड़ा। देखिए अब हम इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे। ये देख सकते हैं गाड़ी हमारा पूरी तरह से बैठा हुआ है। अब हम स्टार्ट करके चेक करेंगे हमारा हाइट ऑटोमेटिक होता है कि नहीं होता है। तो इसको स्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिक हाइट बढ़ना चाहिए और स्टार्ट कीजिए गाड़ी। तो फ्रेंड हम गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, दरवाज़ा बंद कीजिए। अब हम चेक करेंगे हमारा गाड़ी का हाइट ऑटोमेटिक होता है कि नहीं होता है। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा धीरे धीरे गाड़ी हाइट हो रहा है। देखिए ये देखिए अभी 4 उंगुल जा रहा है। देखिए अब हम चेक करते हैं हमारा हाइट होता है कि नहीं। देखिए ये देखिए हाइट हो रहा है, ये देखिए ये देखिए धीरे धीरे हमारा गाड़ी का हाइट बढ़ते जा रहा है। देखिए देखिए किस तरह हाइट बढ़ रहा है, ये देखिए अभी 7 उंगुल हो गया। देखिए पहले 4 उंगुल जा रहा था, ये देखिए और भी हाइट बढ़ रहा है। ये देखिए अभी 8, देखिए हमारा हाइट। ये हमारा राइट साइड का फ्रेंड, अब हम जरा लेफ्ट साइड का भी चेक करेंगे, लेफ्ट साइड का भी हाइट हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम था, लेफ्ट साइड का हाइट होता नहीं था, लेफ्ट साइड का गाड़ी बैठा हुआ रहता था। आइए लेफ्ट साइड देखिए, देखिए फ्रेंड हमारा लेफ्ट साइड का बराबर है। देखिए देख सकते हैं हमारा दोनों साइड का हाइट एकदम बराबर है। देख सकते हैं फ्रेंड,
तो फ्रेंड इसका बलून ओके है, जो हमने नया डाला है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन क्या रहता है फ्रेंड, कभी कंपनी का डिफेक्ट आने के कारण कोई भी बलून में भी प्रॉब्लम आ सकता है कि हमारा गाड़ी का हाइट ना हो, उसमें ये चीज़ हो, लेकिन सब प्रॉपर है बलून, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए हमने आपके सामने गाड़ी चालू करके इसको हाइट करके दिखाया है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा गाड़ी पूरी तरह से प्रॉपर ओके हो चुका है। अब हम गाड़ी का छोटा सा एक टेस्ट ड्राइव लेंगे, और टेस्ट ड्राइव लेने के बाद इसका दोनों साइड का हाइट चेक करेंगे। चेक करने के बाद ये गाड़ी को वॉश करके हम कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आज का हमारा ये वीडियो था एयर बलून और सॉफ्ट रिप्लेस का। तो एयर बलून फ्रेंड हमने किस कारण से रिप्लेस किया, क्योंकि ये क्या होता था, एक से दो दिन गाड़ी खड़ा करने के बाद वैसे ही एक साइड का गाड़ी का हाइट जो है वो बैठ जाता था। तो इसके लिए हमने बलून चेक किया, तो बलून में थोड़ा लीक था, तो हमने इसका बलून रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो चुका है, क्योंकि आपके सामने हमने हाइट करके दिखाया है, हाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों साइड का हाइट एकदम बराबर परफेक्ट है, देखिए आठ उंगुल इधर भी है, आठ उंगुल इधर भी है, देखिए एकदम परफेक्ट हाइट है, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोगों को अगर हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।